Hello, dear students. How are you all? I hope you are doing good. I'm fine also. Okay. I hope आप सब चाय तो पीते ही होंगे मॉर्निंग में. जैसे कहते हैं बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, बट कुछ कुछ को चाय अच्छी लगती है. मैं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, ओनली मॉर्निंग में पीती हूँ. आप लोग भी पीते होंगे. तो जब अगर आप चाय पीते हैं, पीना पसंद करते हैं, या अगर नहीं भी पीते हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में टी लीव्स उगाई जाती हैं, चाय पत्ती जिसे कहा जाता है. यस, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला. तमिलनाडु एंड केरला में कॉफी भी उगाई जाती है. ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा था, है ना? हमने पढ़ा था ना कैसे कुर्ग में कॉफी उगाई जाती है. तो वैसे ही जैसे वहां कॉफी उगाई जाती है, एक कॉफी की हवा में खुशबू जो घुली होती है, उसी तरह से असम में चाय उगाई जाती है. चाय के पत्तियां, चाय के बगान इतने सारे होते हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन वो टी गार्डन खत्म नहीं होते हैं. तो चलिए, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक. और इसी में हमारा थर्ड पार्ट जो कि आज हम करने वाले हैं, द टी फ्रॉम असम. ओके, एंड इसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता. चलिए स्टोरी पे आते हैं हम, टी फ्रॉम असम. तो इसमें दो बॉयज होते हैं, दो बच्चे होते हैं, प्रांजल एंड राजवीर. प्रांजोल, देखिए इसमें नाम क्या लिखा है, प्रांजोल. जो बंगाल असम साइड के जो लोग होते हैं ना, इनमें ये एक्सेंट ही आ जाता है नाम में. आपने फेमस एक्ट्रेस काजल का नाम तो सुना ही होगा, काजोल जिसे आप जानते हैं. तो एक इंटरव्यू में मैंने खुद सुना था कि उनका नाम काजल है, बट क्योंकि वो बंगाली हैं तो उनका काजोल इसलिए नाम पड़ा, है ना? वैसे ही ये प्रांजल होगा, लेकिन क्योंकि ये उस साइड में रहता है, बंगाली टच के एरिया में रहता है, असम में रहता है, विच इज नियर बाय वेस्ट बंगाल, तो वैसे इसका नाम क्या पड़ गया, प्रांजोल. तो जैसे मम्मी पापा प्रोनाउंस करते हैं, नाम की स्पेलिंग भी वैसी पड़ जाती है. चलिए स्टोरी पे आते हैं. तो ये प्रांजोल और राजवीर दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं साथ साथ, ठीक है? और प्रांजोल जो है वो राजवीर को इस समर वेकेशन में अपने घर आने का इनविटेशन देता है, असम आने का इनविटेशन देता है, जो कि राजवीर एक्सेप्ट कर लेता है. तो अब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती है एंड वो असम जाने के लिए तैयार होते हैं. दिल्ली से असम जाना, या तो आप फ्लाइट से जा सकते हो या तो आप ट्रेन से जा सकते हो, एंड क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं तो ये ट्रेन से प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन में अपना सामान रख लेते हैं. वैसे ही क्या होता है, खिड़की पे एक चाय वाला आ जाता है. अब आपको पता है ना, चाय वाला कैसे बोलता है, कैसे अपनी टी को सेल करता है, चाय चाय गरम चाय गरम. ठीक है, तो इस तरह से वो बहुत हाई पिच में बोल रहा था. तो जैसे कि उस कंपार्टमेंट में सभी लोग चाय पी रहे थे, तो इन दोनों ने भी चाय ले ली, क्योंकि चाय वाला बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था, साहब चाय ले लो करके. तो इन दोनों ने भी चाय ली. तो वो चाय क्या थी, बड़ी स्टीमिंग हॉट थी, है ना? इसका मतलब बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली हॉट. स्टीमिंग हॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट. तो वो दोनों भी चाय में चाय का मजा लेने लग गए, जैसे कि बाकी लोग ले रहे थे. अच्छा, तो वैसे क्या होता है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे इन द वर्ल्ड. राजवीर जो है वो टी के बारे में, टी गार्डन्स के बारे में, चाय के बारे में ऑलरेडी थोड़ा पढ़ के आया होता है. तो वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है प्रांजल कि हर रोज पूरी दुनिया में कितने 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं. प्रांजल कहता है, ओ टी रियली इज वेरी पॉपुलर. मतलब ओ, तो टी क्या इतनी पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन चलने लगती है और प्रांजल क्या है अपनी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ते हैं. उसको डिटेक्टिव
स्टोरीज पढ़ने का बड़ा शौक होता है तो वो निकाल के वो पढ़ने लगता है, जबकि राजवीर क्या करता है सिनिक ब्यूटी को एंजॉय करता है, क्योंकि प्रांजल तो उस रास्ते से अपने घर हर बार आता जाता था तो वो बाहर का नजारा उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो राजवीर तो उस सिनिक ब्यूटी मतलब उस सुंदर नजारे को एंजॉय करना चाहता है, तो वो क्या है खिड़की से बाहर देखता रहता है ब्यूटीफुल नजारे को। एंड धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, बाहर खेती खेत हरियाली हरियाली होती है जो कि राजवीर ने कभी नहीं देखी होती है। बहुत सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स वो देखता है अपने रास्ते में, और उसके बाद क्या होते हैं पैडी फील्ड्स के बाद टी बुशेस स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ये बहुत ही सुंदर नजारा था। और उसके पीछे बैकड्रॉप पे अ डेंसली वुडेड हिल्स, और उन चाय के बगानों के पीछे क्या थी बहुत घनी पहाड़ियां थी, जिसमें क्या है टी बुशेस बहुत लार्ज स्ट्रेच तक फैले हुए थे। ड्रॉफिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेडेड ट्री, एंड उन खेतों में चाय के बगानों में क्या थे बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे जो उन चाय की बुशेस को बहुत छोटा छोटा शो कर रहे थे, मतलब दिखा रहे थे। और वो बड़े ऑर्डरली रूम में, आपने चाय के बगान देखे होंगे तो बड़े डिसिप्लिन में जैसे उनको लगाया जाता है, उसके बीच में थोड़े थोड़े रास्ते होते हैं, फिर कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं। एंड मूव्स डॉल लाइक फिगर, अच्छा उन चाय के बगानों में क्या थी चाय तोड़ने वाली, चाय पत्तियां तोड़ने वाली डॉल फिगर की लेडीज होती हैं, एंड वो चाय के पत्तियों को तोड़ती हैं। अच्छा इन द डिस्टेंस वॉज अगली, और फिर थोड़ी दूर जाके क्या होती है एक ओल्ड बिल्डिंग आती है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, उसकी चिमनियों से धुआं बाहर बिलोइंग मतलब उड़ रहा होता है या बह रहा होता है धुआं। हे टी गार्डन्स, राजीव क्राइड, और राजीव बड़ा एक्साइटेड होके बोलता है प्रांजल देखो टी गार्डन। एंड प्रांजल को तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है तो वो उसकी एक्साइटमेंट को मैच नहीं कर पाता है। अब प्रांजल कहता है हाँ टी गार्डन का स्टेट आ चुका है, अब असम है, और उसको बोलता है प्रांजल किसको बताता है, इसको बताता है कि असम में दुनिया की सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है, लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, मतलब असम दुनिया के चाय उगाने वालों वाली जगहों में से एक है। वी विल सी इनफ गार्डन, और तुम देखना असम में जाके तुम्हें इतनी सारी टी गार्डन दिखने वाले हैं कि जिसे देखते देखते तुम्हारा लाइफ टाइम यही पास हो जाएगा, मतलब तुम नहीं थकोगे उन्हें देखते देखते। आई हैव बीन रीडिंग एज मच अबाउट, राजवीर क्या है ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ के आया होता है टी गार्डन के बारे में। एंड वो कहता है कि किसी को अच्छे से तो नहीं पता बट टी के बारे में कि टी कहाँ से डिस्कवर ओरिजिनेट हुई है इसके बारे में दो लेजेंड्स, लेजेंड्स मीन्स स्टोरीज बहुत फेमस हैं, एक तो चाइनीज एम्परर के बारे में और एक बुद्धिस्ट मंक के बारे में। तो बच्चों आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, चाइनीज एम्परर की कौन सी कहानी है और बुद्धिस्ट मंक की कौन सी कहानी है। क्वेश्चन पेपर में बेसिकली और जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। अब चाइनीज एम्परर की क्या बात होती है कि वो एक दिन क्या होते हैं अपनी पीने से पहले पानी को बॉयल करते हैं, तो अचानक एक दिन उनके पानी में कुछ टहनियों से पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है, तो वो पत्तियां क्या होती है उसमें एक फ्लेवर ले आती हैं पानी में, गर्म पानी में, और जब वो पीते हैं तो उनको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, और माना जाता है वो पत्तियां किसकी थी टी लीव्स थी, ठीक है। और टेल मी अनादर, और जल्दी से प्रांजल कहता है कि अच्छा तो मुझे दूसरी कहानी सुनाओ आप। अब वो बोलते हैं कि एक वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, मतलब एक इंडियन लेजेंड भी है, मतलब एक इंडियन कहानी, वो तो चाइनीज कहानी थी, एक इंडियन कहानी क्या है बोधि धर्मा की है, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, ओके एसेटिक क्या होता है अ सेल्फ डिसिप्लिन फॉर रिलीजियसली रीजन, ठीक है, कि एक बुद्धिस्ट मंक जो है कि वो बड़े डिसिप्लिन थे और उनका नाम बोधि धर्मा था, और उनकी क्या कहानी है क्योंकि वो नींद से बहुत परेशान थे अपने। अब बुद्धिस्ट मंक क्या होते हैं मेडिटेशन करना होता है उन्हें, जल्दी उठना होता है, नींद त्यागनी होती है वगैरह, तो वो क्या करते हैं अपनी
झुकती है तभी तो नींद आती है, तो वो नींद से उठे रहने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि अपनी आईलेट को ही काट के उस पानी में डाल दिया है ना, आईलेट बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, कट ऑफ हिज आईलेट बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। ठीक है, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द हीट, और क्या हुआ, उन्होंने अपनी आईलेट उस पानी में डाल दी और जहां जहां उस पानी को डाला गया वहां से 10-10 क्या है पानी के वो चाय के पौधे निकल आए। द लीव्स ऑफ द प्लांट ग्रू आउट ऑफ द यील्ड व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लीप। और क्योंकि ये देखा गया कि उस चाय को पीने से, जिसमें चाय पत्ती डाली जाती है, उस पानी को पीने से आदमी की नींद जो है वो खत्म हो जाती है, ये कम हो जाती है। तो वो कहता है, राजवीर बताता है कि पहली बार चाय कब पी गई थी, 2700 BC में पी गई थी। ठीक है, इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ठीक है, तो माना जाता है कि ये चाइना से इसका ओरिजिनेशन हुआ था या ओरिजिनेटेड हुई थी वहां, तो इसलिए ये चाय चीनी वगैरह नाम चाइनीज है और वहां से आए हैं। टी केम टू यूरोप, और चाइना से फिर यूरोप आई चाय का 16th century में। एंड ड्रंक, उस टाइम उसे क्या एक मेडिसिन के तौर पे पिया जाता था। द ट्रेन क्लटर्ड, अच्छा क्लटर्ड मतलब क्या होता है, जब वो ट्रेन स्टार्ट होती है और रुकती है तो उसका जो ब्रेक की जो आवाज होती है तो एक हैवी नॉइस करती है, वो आके कहाँ पे रुकती है, मेरियानी जंक्शन पे। मेरियानी जंक्शन कहाँ है, ये असम में है, इसका मतलब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे आ चुकी है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, और लड़के क्या होते हैं अपना सामान निकालते हैं और उतरने के लिए तैयार होके अपना पुश अपना रास्ता बनाते हैं और उस भीड़ में, और ट्रेन स्टेशन पे उनके मम्मी पापा, प्रांजल के मम्मी पापा उन्हें रिसीव करने आए हुए होते हैं। एंड वो क्या है, फटाफट से टेकियाबाड़ी, टेकियाबाड़ी क्या है, एक टी गार्डन है जहाँ के प्रांजल के फादर मैनेजर है। ठीक है, और एक घंटे में क्या होता है, एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली। अच्छा ठीक है, तो एक ही घंटे में व्हील्ड शार्पली मतलब चेंज डायरेक्शन सडनली, जैसे वो कार चलाते हैं और एकदम से टर्न लेके वो मेन रोड पे आ जाते हैं, ऑफ द मेन रोड छोड़ के नीचे आ जाते हैं। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, एक कैटल ब्रिज को पास करते हैं और टेकियाबाड़ी टी स्टेट में एंटर हो जाते हैं। रोड के दोनों तरफ, कौन सी रोड, ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड मतलब वो रोड जिसमें पत्थर पेबल्स टाइप के जो होते हैं और रेत होती है, इसका मतलब कच्चा रास्ता होता है, उसके दोनों तरफ टी बुशेस होती हैं और जो कि बहुत सुंदर। तो क्या होता है, राजवीर का सारा अटेंशन तो टी बुशेस में होता है। ऑल नियर नीटली प्रूंड टू द सेम हाइट, और वो टी गार्डन इतने अच्छे से मैनेज किए होते हैं, उनकी प्रॉपर कटिंग होती है और सबको एक टी शेप दिया जाता है, सबको बराबर हाइट में कट किया जाता है ना। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक वेयरिंग द प्लास्टिक एप्रन वर प्लकिंग द न्यू स्प्राउटिंग लीव्स। और क्या होता है, उस खेत में वो क्या देखता है, टी गार्डन में क्या देखता है कि वो प्लग पत्तियां चुभने वाली औरतें होती हैं जिन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने होते हैं और बड़े बड़े बैम्बू बास्केट लिए होते हैं अपने बैक पे, वो लटकाए होते हैं जिसमें क्या है, वो नए नए जो स्प्राउटेड लीव्स होती हैं टी की वो चुनते हैं एंड उस बास्केट में डालते रहते हैं। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लो लीव्स टू पास। और क्या है, प्रांजल के फादर अपने एरिया जहाँ के वो टी स्टेट के वो मैनेजर होते हैं वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि उनके रास्ते में आगे उस ब्रिज पे कौन आ रहा होता है, एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है जिसपे ट्रेलर मतलब उस पर एक बड़ा सा लोड होता है जिसमें टी लीव्स भर के जा रही होती है, तो वो उसको पास होने देते हैं, उसको रास्ता देते हैं। एंड राजवीर फटाफट से क्या बोलता है, अच्छा तो ये सेकेंड सीजन है इसका, है ना, मतलब कि ये सेकेंड हार्वेस्ट ऑफ टी लीव्स है इस सीजन।
विदर्भा, प्रांजल के फादर बड़े इम्प्रेस होते हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत कुछ पता है।